Okay, good morning everybody. So, Nature, Objective and Scope of Audit, Chapter Number 1. So, यहाँ पे हमने Advantages of Audit, Inherent Limitations of Audit we have seen, right? What are those inherent limitations? सबसे पहले तो हमने देखा कि जो Nature of Financial Reporting है, वही ऐसा है कि we cannot give the absolute assurance. We can give only reasonable. अभी जो absolute assurance है, that is, you can say highest level. When you go for verification of each and every transaction, 100%. जबकि audit में वो possible नहीं. Okay, we go by sample. Sample मतलब क्या? Less than 100% करोगे तो भी sample हो जाएगा. ठीक है? Here, as per SA 200, हमारा objective क्या है? To give the reasonable. Reasonable doesn't mean low level of assurance. Reasonable means high level of assurance. So, nature of financial reporting, nature of audit procedure or power given to the auditor, wahi limited hai. Or we very well know ki audit jo hai wo investigation nahi hai. Hamara purpose yahan pe historical financial jo bhi information hai, usko hame reasonable assurance dena hai. We cannot give the guarantee. Okay. Or हम यहां पे कोई रॉन्ग डूइंग पे फ्रॉड पे डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं कि नहीं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं और वी डू नॉट हैव द पावर ऑफ सर्च एंड राइट एंड टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्लस इंफॉर्मेशन जो आप यूज कर रहे हो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो मतलब रिलेवेंट इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू रिलेवेंट टाइम यूज करना है प्लस जब आप डिटेल में एनालिसिस करोगे और ये जो पर्टिकुलरली डिटेल में एविडेंस कलेक्ट करने के लिए रादर कंक्लूसिव एविडेंस गैदर करने के लिए जो टाइम जाएगा जो कॉस्ट इनकर होगी एज कंपैरेटिवली हमारे पास ऑडिट करने के लिए उतनी कॉस्ट उतना टाइम होता नहीं है प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो प्रैक्टिकल लिमिटेशन है ओके एंड फ्यूचर इवेंट्स हम गारंटी इसीलिए नहीं दे सकते क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट इज ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट गारंटी टू द फ्यूचर वी जस्ट सर्टिफाई द पास्ट डेटा तो फ्यूचर में कोई भी इवेंट में चेंज आएगा मेजर गैप आएगा कुछ भी हो सकता है चेंज हो सकता है गोइंग कंसर्न एजम्पशन होल्ड गुड ना भी हो यू नेवर बराबर फिर हमने डिफरेंस भी देखा था ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन क्या है ओके देन आफ्टर व्हाट इज द एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट रादर व्हाट इज एंगेजमेंट इट इज नथिंग बट द फॉर्मल यू कैन से रिटन agreement between the auditor and client for performance of service related to audit that is audit engagement type of audit we have seen audit kon karta hai kon appoint karta hai wo bhi humne discuss kiya tha right now aur ek case study bhi humne dekha tha assurance engagement or elements of assurance engagement okay to yahan pe agar aap dekhoge एलिमेंट्स में प्रैक्टिशनर जो है मतलब जब आप एश्योरेंस एंगेजमेंट में कनेक्ट होगे तो देर विल बी थ्री पार्टी एक जो प्रैक्टिशनर खुद जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक जो पार्टी रिस्पॉन्सिबल है और एक जो इसका यूज करने वाले इंटेंडेड यूजर्स ओके फिर उसमें सब्जेक्ट मैटर होगी सुटेबल क्राइटेरिया होगा ओके और ये जो भी हम सर्टिफाई या एश्योरेंस दे रहे हैं वो एज इट इज नहीं देंगे विदाउट एनी एविडेंसेस As I said earlier also, be a good ethical chartered accountant. Never ever certify without any evidences. Okay, आपके कितने भी अच्छे relationship हो किसी के भी साथ okay, उससे कोई matter नहीं करता है okay, अच्छे relationship है formal तो आप that is different matter. But जब आप यहां पर as an auditor workout कर रहे हैं तो that should be independent. आपको evidence लेके ही certify करना है Without any evidences, you cannot certify anything. अगर करोगे तो do it at your own risk. Simple. Next topic है audit versus review. Review क्या है? Audit versus review. Prospective financial information.
सी एज एन वेन हम जो यहां पे एश्योरेंस एंगेजमेंट अभी हमने पहले ही देखा यहां पे एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है कि कोई भी प्रैक्टिशनर यहां पे हम वर्ड प्रैक्टिशनर क्यों यूज कर रहे हैं नॉट द ऑडिटर. ऑडिटर सिर्फ ऑडिट करते हैं जबकि प्रैक्टिशनर सब कुछ करते हैं ऑडिट के अलावा भी. तो वर्ड एप्रोप्रिएट ओवर हियर इज प्रैक्टिशनर. तो प्रैक्टिशनर कुछ भी कंक्लूजन देते हैं. क्यों कंक्लूजन देते हैं सो दैट रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो भी है उसको कुछ भी सर्टिफाई करना है उसको कुछ भी एश्योरेंस चाहिए तो एश्योरेंस कौन देगा प्रैक्टिशनर सीए इन प्रैक्टिस फॉर एग्जांपल. अगर बैंक में एज आई सेड ये एश्योरेंस एंगेजमेंट कई तरह के होते हैं. आप बैंक में जाओगे मतलब आर सर यूज टू टेल कि ये सीए की प्रैक्टिस मतलब कैसा होना चाहिए फिनेंशियल. कहीं पे भी कोई भी फिनेंशियल मैटर आए ना वहां पे ऐसा होना चाहिए कि सीए सर्टिफिकेट चाहिए. मतलब सब जगह पे सीए सर्टिफिकेट कर लो. हमारी इतनी डिमांड होनी चाहिए ओके मतलब वो बहुत साल पहले बोला था. और अगर आप यहां पे देखोगे तो उसमें से कई सारे टॉपिक जो है वो है. अभी आप बैंक में जाओगे बैंक बोलोगे भी कुछ भी आपको लोन लेना है बोले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो. फिर कहीं पे भी नेटवर्थ मान लीजिए नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट होगी तो बैंक ट्रस्ट बैंक या कोई भी ट्रस्ट किस पे करेगा. आप बोलोगे मेरी नेटवर्थ है देखिए बोले नहीं हमें आप पर भरोसा ही नहीं है. नेटवर्थ आपकी है तो आप सीए से सर्टिफाई करवा के लेके उसके आपकी नेटवर्थ सीए सर्टिफिकेट चाहिए. आप बोलो हमारा टर्न ओवर इतना है रिटर्न में देख लो बोले नहीं टर्न ओवर का सर्टिफिकेट ला के. तो जो इंटेंडेड यूजर्स है बैंक हो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो मान लीजिए किसी को शेयर मार्केट में रजिस्टर करना है ब्रोकर बनना है या मेंबरशिप चाहिए तो वहां पे भी बोलेंगे ये सर्टिफिकेट लेके आओ. तो कोई भी ट्रस्ट किस पे करेगा इंडिपेंडेंट पार्टी पे जो ऑथोराइज है वो सर्टिफाई या एश्योरेंस देने के लिए. तो जब कोई भी प्रैक्टिशनर जो भी रिस्पॉन्सिबल पार्टी है उसको एश्योरेंस दे रहा है मतलब उसका एश्योरेंस दे रहा है किसको इंटेंडेड यूजर कि आप हम सर्टिफाई करके देते हैं दैट इज आर एश्योरेंस कि ये जो टर्न ओवर है वो इतना ही है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही शो कर रहा है इसका नेटवर्थ इतना ही है. तो ऐसी कई जगह पे आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा एटसेट्रा. दोस आर कॉल एश्योरेंस एंगेजमेंट. यू आर एश्योरिंग समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ एज एन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर ओके. एक पार्टी जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी मतलब जनरली हम यहां पे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं ओके. तो जो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है जब वो कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसके पास नॉलेज है वो सर्टिफाई करके देता है तो आप उस पर भरोसा कर सकते हो. दैट इज व्हाट अ प्रैक्टिशनर टू एश्योरेंस एंगेजमेंट. तो ये एश्योरेंस एंगेजमेंट कितने तरह के होते हैं टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट. तो यहां पे अगर आप देखोगे मैंने आपको पहले भी बोला था कि एज एन ऑडिटर या एज ए प्रैक्टिशनर वी आर गोइंग टू सर्टिफाई व्हाट हैज हैपेंड वी कैन नॉट सर्टिफाई व्हाट इज देयर इन फ्यूचर. हाँ वी कैन प्रोजेक्ट. तो यहां पे एश्योरेंस जो है इट कैन बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स. एक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. एक क्या होगा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 का ऑडिट ओके दैट इज योर करंट ईयर फॉर एग्जांपल. तो आप क्या कर रहे हो 31 मार्च 2024 का ऑडिट कर रहे हो कि जो भी अकाउंट्स हैं वो सब सही है कि नहीं. ऑडिट करना तो वो एक क्या है एश्योरेंस एंगेजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. एक और है जिसमें हम क्या करेंगे वी आर गोइंग टू प्रोवाइड. देखिए यहां पे है हिस्टोरिकल और नेक्स्ट आएगा
प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. प्रोस्पेक्टिव क्यों भाई? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्यों भाई? मतलब यहां पे आप क्या बता रहे हो? यू आर गिविंग द डेटा, प्रोजेक्टेड डेटा फॉर नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट 5 years फॉर एग्जाम्पल. क्यों? Why you need to give the projected report, projected data? इसको हम बोलेंगे prospective financial information. अभी देखिए, एक जो ऑलरेडी हो चुका है इसको आपको सर्टिफाई करना है कि जो हुआ है वो सही है. जो भी ट्रांजेक्शन हैपन हुए एंटिटी में वो सब रिपोर्ट हुए हैं एंड एवरीथिंग इज एज पर द ऑर्डर. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं ओके और सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आनी चाहिए वो सब कवर अप हो गया है, डिस्क्लोजर हो गया है, एवरीथिंग दैट इज हैपन. फ्यूचर की क्यों रिक्वायरमेंट है भाई? अभी बैंक में जाओगे, मान लीजिए आप बोल रहे हो कि भाई हमारा नया प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में मुझे 1 crore का इन्वेस्टमेंट चाहिए. ओके अभी बैंक भी सोचेगी 1 crore का लोन देना है. अभी ये प्रोजेक्ट नहीं चला तो बैंक का तो 1 crore आप रीपे कैसे करोगे? और चलो मान लीजिए आप बोलोगे सिक्योरिटी ले लो, बट बैंक को इस झंझट में पड़ना ही नहीं है सिक्योरिटी में. फिर सेल करना और ऑक्शन करना क्यों करे? बैंक को तो सेफ्टी चाहिए कि नहीं फ्यूचर में आपका जो लोन इंस्टॉलमेंट है वो टाइम से आना चाहिए. या मान लीजिए आप सीसी ले रहे हो, ओडी ले रहे हो, तो रेगुलर आप उस पर ट्रांजेक्शन करोगे, उसका इंटरेस्ट जो है वो रीपे कर दोगे और एट द एंड ऑफ द स्टिपुलेटेड पीरियड आप वापस कर दो, सिंपल. तो बैंक की रीपेइंग कैपेसिटी चेक करनी है, आपकी फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट चेक करनी है, तो उसके लिए बैंक क्या डिमांड करेंगे? बोले प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके आओ. अभी वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होता क्या है? देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैन बी ऑफ टू टाइप, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटिटी का होगा तो वहां पे तो चलो हमारे पास ये भी बैकअप होगा कि लास्ट 2 year का ऑडिटेड स्टेटमेंट ये है, करंट ईयर का एस्टिमेटेड ये है. क्योंकि इन बिट ऐसा तो नहीं होगा आप फर्स्ट डे पे जाओगे तो अभी क्या हो, मिड ऑफ द ईयर में गए तो फाइनेंशियल 24-25 चल रहा है, 23-24 खत्म हो गया है मान लीजिए, तो 23-24 का ऑडिटेड हो गया है और 24-25 चल रहा है तो उसका एस्टिमेटेड दे दो करंट ईयर का और फिर नेक्स्ट ईयर का. नेक्स्ट ईयर का कुछ हुआ ही नहीं प्रोजेक्टेड दे दो. बट मान लीजिए कंप्लीटली नया यूनिट अभी करंट ईयर में एस्टैब्लिश हुआ तो उसके लिए तो आपके पास कोई हिस्ट्री भी नहीं है कि आप उसके बेसिस पे भी मूवमेंट ट्रैक कर पाएंगे. तो वहां पे तो प्योरली आपको कब जाना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिव कितना. तो ये प्रोस्पेक्टिव अभी देखिए लोन चाहिए तो इसके लिए कोई कुछ भी बता के दे देगा तो ट्रस्ट किस पे करेंगे? प्रैक्टिशनर. बोले आप इसका डिटेल में प्रोजेक्ट रिपोर्ट एनालिसिस करो, स्टडी करो और उसके बेसिस पे वो जो बोल रहे हैं फ्यूचर वायबिलिटी इतना सेल होगा, नो डाउट वी कैन एक्सपेक्ट के चलो 10-20 ऊपर नीचे हो सकता है ओके इधर उधर. बट ऐसा तो नहीं होगा कि आपने बोला है टर्नओवर करेंगे 50 crore और टर्नओवर आप 10 crore का. अब ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं है. चलो आप एक्सपेक्ट करोगे 50 crore का टर्नओवर है, ठीक है 45-48 ओके नो प्रॉब्लम, कम हुआ थोड़ा ज्यादा हुआ. बट आप सीधा ड्रास्टिकली 50 crore का सीधा 10-20 crore कर दोगे तो ये तो एक्सपेक्टेड नहीं है. तो प्रैक्टिशनर क्या करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशंस कि आज कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके आता है, ठीक है, मतलब कोई प्रोजेक्ट आप लाओगे या आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो एज ए प्रैक्टिशनर व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ये प्रोजेक्ट किसका है, आप कितना मैन्युफैक्चर करोगे, आपके पास कैपेसिटी कितनी है, ये फंड बैंक से कितना जनरेट करोगे, खुद फंड कितना लाओगे और आप बोल रहे हो कि मैं इतना प्रोड्यूस करूंगा तो आप मार्केट में इतना सेल है कि नहीं है, मार्केट कैसा है, तो सब आप स्टडी करोगे और उसके बाद ये जितने भी स्टडी किए उसके बेसिस पे यू आर मतलब एंटिटी गोइंग टू प्रिपेयर द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अब देखिए उसका ऑडिट नहीं होता, ऑडिट किसका होगा जो ऑलरेडी हो चुका है. अब उसका तो ऑडिट नहीं होगा ना, तो उस पर आप एश्योरेंस दोगे कि हाँ भाई ये जो हमने प्रिपेयर किया है वो इस सो एंड सो एजम्पशन के बेसिस पे प्रोजेक्शन किया हुआ है. तो यहां पे 2 एश्योरेंस एंगेजमेंट होगी एज ए प्रैक्टिशनर, एक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन
जो ऑलरेडी हो चुका है और एक प्रोस्पेक्टिव। अगर आप प्रैक्टिकल बात करें तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है। अगर आप जीए इन प्रैक्टिस कर रहे हो, ओके सर्टिफिकेट है आपके पास, प्रैक्टिस कर रहे हो, अरे ये प्रोस्पेक्टिव के लिए तो सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वैसे तो सीए जो है वो ही करते हैं, बट प्रोजेक्टर रिपोर्ट को सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, एश्योरेंस दे सकते हो। इसका एक अलग ही फील्ड है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सीएमए डेटा एक्सेट्रा। और कई सारे लोग तो क्या करते हैं, सीए करके इसी की प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड है, क्योंकि यहां पे क्या है, लोन की रिक्वायरमेंट काफी सारे एंटिटी को, बिजनेसमैन को होगी। अभी आपके पास आएंगे, आप बोलोगे आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरा बना देंगे, लोन कर देंगे। सो दैट इज लॉट ऑफ यू कैन से अपॉर्चुनिटी ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। ये ट्रेडिशनल फील्ड है जहां पे ऑडिट भी है और रेगुलर है। अभी इसके अलावा भी कई सारी प्रैक्टिस होती है, ओके, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडिट फील्ड। ओके, तो वहां पे क्या होगा, एश्योरेंस में एक हिस्टोरिकल जो ऑलरेडी हैपन हो चुका है और एक प्रोस्पेक्टिव। हिस्टोरिकल में भी एक आप करोगे ऑडिट, ऑडिट। तो ऑडिट क्या है, अभी ये इतने लेक्चर में ये किया, ऑडिट क्या है, ठीक है। तो जो ऑडिट है वो क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस। That financial statement, okay, यहां पर audit में क्या करते हैं, financial statement gives true and fair view and financial statement in all material respect free from the material misstatement due to error or fraud, okay, objective जो है audit का वही है। तो यहां पर क्या होगा, reasonable। और जो audit करोगे ना वो आप किसका करने वाले हो, पूरे financial information का। मतलब यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसका ऑडिट करोगे। ऑडिट में नो डाउट डेटर का ऑडिट, क्रेडिट का ऑडिट, बैंक का ऑडिट, एक्सपेंस का ऑडिट, ऐसा होगा, बट दैट इज वन सब पार्ट ऑफ द ऑडिट। बट ऑडिट में हम क्या करेंगे, ऑडिट ऑफ एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल। एक और है यहां पे और वो है रिव्यू। ये रिव्यू क्या है, वॉट इज रिव्यू, रिव्यू भी जो आप करते हो वो भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही करो। तो सर ऑडिट और रिव्यू में क्या फर्क है, और रिव्यू क्यों करते हो, रिव्यू आपको देते हैं लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस एज कंपेयर टू रीजनेबल एश्योरेंस। ये जो ऑडिट करते ना वो इंडिपेंडेंट पार्टी से आप करवाओगे, इट शुड बी इंडिपेंडेंट, इट इज गिवन बाय लॉ आल्सो। और यहां पे ऑडिट में ऑब्जेक्टिव भी है रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस मतलब हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस मतलब हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। रिव्यू मतलब लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस एज कंपेयर टू रीजनेबल। बट क्वेश्चन तो अभी भी वही का वही है, रिव्यू मतलब क्या। पहले ये बाइफरकेशन समझ में आया, एश्योरेंस दो तरह के होते हैं, हिस्टोरिकल और एक प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव में तो एज आई सेड यू विल प्रिपेयर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर फ्यूचर विद एजम्पशंस एंड ऑल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखेंगे कि प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है। ओके, फिलहाल यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट रीजनेबल और लिमिटेड, यहां पे लोअर और यू कैन से लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो एक्चुअली रिव्यू है क्या, अभी देखिए कई बार मैनेजमेंट जो है वो चाहते हैं ऑडिट तो हो चुका है बट फिर भी मैनेजमेंट को कोई पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर डाउट है या वो रिव्यू करवाना चाहते हैं कि इसका एक रिव्यू कर दो हमें, कि उसमें कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिगेशन, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। I'm talking about review of any item presented in historical financial information. कि वहां पे कुछ फ्रॉड नहीं हुआ है, वहां पे कुछ गलत तो नहीं हुआ है,
या सब कुछ सही है, तो इसके लिए क्या होता है, रिव्यू करते हैं। बट ये जो रिव्यू होता है ना, उसमें ऑडिटर का या कोई भी पर्सन जो रिव्यू कर रहा है उसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। मैनेजमेंट जो है उसके एम्प्लॉय भी बोल सकते हैं ये रिव्यू कर दो। अब यहां पे होगा क्या कि जब कोई इंडिपेंडेंट पार्टी रिव्यू करेंगे, मतलब इंडिपेंडेंट पार्टी ऑडिट करेंगे, तो उसका एश्योरेंस हाई लेवल का हो। बट व्हेन यू एक्सपेक्ट कि इंडिपेंडेंटली नहीं कर रहे, तो वहां पे इट विल बी विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैनेजमेंट। तो वहां पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होगा, वहां पे क्या होगा, लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस। ओके, तो ये है क्या वी हैव लर्न ऑडिट इज। हाँ, तो ये मैंने आपको जो भी समझाया, देखो ऑडिट में क्या करते हैं हम, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है, इट प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। हाउएवर रिव्यू इज लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। रिव्यू क्या है, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसमें आपको हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलता नहीं है। क्यों, इट प्रोवाइड लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन ऑडिट। अभी देखिए एब्सोल्यूट तो ऑल टूगेदर डिफरेंट ही है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस जो है वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ द ऑडिट। तो ऑडिट में एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते, क्या देते हो, रीजनेबल। बट मैंने जब एब्सोल्यूट और रीजनेबल का डिफरेंस समझाया तब आपको यह भी समझाया था कि जब वी टॉक अबाउट रीजनेबल इट डजंट मीन लोअर लेवल, इट मीन्स हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। ओके, बट रिव्यू में लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है एज कंपेयर टू द ऑडिट, क्योंकि ऑडिट इंडिपेंडेंट पार्टी करती है। रिव्यू कैन बी डन बाय इंडिपेंडेंट पार्टी और इट कैन बी डन बाय द, यू कैन से विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इट कैन बी डन। रिव्यू में क्या होता है, फ्यूअर प्रोसीजर। अभी यहां पे देखोगे इन दोनों में, अगर मैं ऑडिट वर्सेस रिव्यू के बारे में बात करूं, ऑडिट वर्सेस रिव्यू, तो सबसे पहला तो यहां पे एश्योरेंस के बारे में बात हो गई। एश्योरेंस क्या होगा, एश्योरेंस क्या होगा, यहां पे रीजनेबल, रीजनेबल बोले तो हाई लेवल। ओके, जबकि यहां पे क्या होगा, लिमिटेड, मतलब लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। ओके, फिर यहां पे अगर हम प्रोसीजर करें तो यहां पे प्रोसीजर क्या होने वाली है, ऑडिट में यू विल बी हैविंग अ डेप्थ ऑफ प्रोसीजर, बहुत सारी प्रोसीजर करोगे बिकॉज यू आर गोइंग टू सर्टिफाई द सेम द एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जबकि रिव्यू में क्या होगा, प्योर प्रोसीजर और गैदर सफिशियंट एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच लिमिटेड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो यहां पे प्योर प्रोसीजर एंड प्योर सफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस। ओके, यहां पे मोर प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू रिव्यू। ओके, यहां पे पूरी प्रोसीजर कम होगी, ऑडिट जितना डिटेल में नहीं चेक करेंगे हम, यहां पे ऑडिट में टैक्स में चेक करेंगे। हाउएवर बोथ ऑडिट एंड रिव्यू रिलेटेड टू, हाँ बट दोनों में एक बात कॉमन है, ये दोनों के दोनों रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। दैट्स व्हाट आई सेड, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही ऑडिट होता है, उसी का रिव्यू होता है। ओके, एज ऑलरेडी डिस्कस एश्योरेंस प्रोवाइड एश्योरेंस टू यूजर्स, और ये एश्योरेंस किसको दे रहे हैं, जो भी इंटेंडेड यूजर हो, बैंक को सर्टिफिकेट चाहिए, बैंक को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, मैनेजमेंट को रिव्यू चाहिए, मैनेजमेंट जो है वो चाहते हैं कि आप रिव्यू करके दो। ओके, अभी कंपनी अलग है, या फिर मान लीजिए शेयरहोल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें ऑडिट करके दो, शेयरहोल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें रिव्यू करके दो। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट लाइक ऑडिट प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस विच इज हाई लेवल, जबकि लिमिटेड क्या है, लोअर लेवल। लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट लाइक रिव्यू प्रोवाइड्स लोअर एश्योरेंस देन ऑडिट, इट ओनली अ मॉडरेट लेवल, मतलब यहां पे लोअर लेवल देन ऑडिट, देन ऑडिट, लोअर लेवल देन ऑडिट, बट इसका एश्योरेंस क्या होगा, मॉडरेट, ऑडिट से कम है, ऑडिट का क्या है, हाई है, तो ये क्या हो गया, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन ऑडिट, मतलब एश्योरेंस कैसे देंगे, मॉडरेट लेवल, हाई लेवल, ऑडिट में क्या होगा, हाई लेवल।
यहां पे क्या होगा, मॉडरेट लेवल। मॉडरेट लेवल मतलब क्या, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन ऑडिट। समझ में आ रहा है? हाँ ओके, डिफरेंस यहां पे दिया ही है। और इन्होंने डिफरेंस कैसे दिया है, रीजनेबल और लिमिटेड का। यहां पे यू कैन रिप्लेस दिस विथ ऑडिट रिव्यू। ओके, रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड्स हाई, यहां पे लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन रीजनेबल। ओके, यहां पे डिटेल इलाबोरेट और एक्सटेंसिव प्रोसीजर, डेफिनेट प्रोसीजर करनी पड़ेगी ऑडिट करना है। यहां पे प्योर प्रोसीजर से यहां पे आप कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। ओके, तो यहां पे भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस है, दोनों में डिफरेंस है। It draws reasonable conclusion on the basis of sufficient appropriate audit evidences. It involves obtaining sufficient appropriate evidence to draw limited conclusion. यहां पे आप एविडेंस तो ऑप्टेन करते हो बट लिमिटेड के लिए, और वहां पे ऑप्टेन करोगे हाई लेवल देने के लिए। Obviously, more and more evidences are required when you would like to give the higher level of assurance, and less evidences are required when you give lower level of assurance. Example, audit. एग्जाम्पल रिव्यू। बट अभी भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दो सर। ओके, यहां पे आप कर रहे हो ऑडिट ऑफ एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे, टाटा का ऑडिट, रिलायंस का ऑडिट, ये जो भी आप बोल रहे हो ऑडिट, जो भी कर रहे हैं आप, रेगुलर ऑडिट, ऑडिट रिव्यू क्या है। मान लीजिए मैनेजमेंट आस्क यू to review on debtors, debtors पे review करना है कि सब सही है, everything is appropriate or not। तो यहां पे आपका focus क्या होगा, particularly debtor पे होगा। या मान लीजिए financial statement पे review करना है, तो कोई भी हो सकता है, मतलब यहां पे कोई fix नहीं है, management जो भी decide करे ऐसा आप कर सकते हो। जो भी intended user है जिसको review करवाना है वो डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है रिव्यू में, क्या एक्सपेक्टेड है। ऑडिट में तो क्या होगा, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट आ जाए। और ये प्रोजेक्टेड जो है वो तो टोटली डिफरेंट है, बट ये इट इज ओवरऑल इज अ पार्ट ऑफ द एश्योरेंस एंगेजमेंट। समझ में आ रहा है? तो रीजनेबल एंड लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, इसमें कोई डाउट है? If you like to note down, screen रख रहा हूं मैं, देख लेना एक बार। चलो इतना क्लियर है। नेक्स्ट, एश्योरेंस ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू बैंक, जिसमें हम प्रोजेक्शन करके प्रोवाइड करते हैं।
reasonable assurance engagement and limited, there is another kind of assurance which is related to matters other than financial, historical financial information के अलावा की matter की बात हो रही है यहाँ पे. So when we talk about that particular matter, which is it may providing assurance on internal control in entity. यहाँ पे जो management internal control है, अभी देखिए why bank require project report to be given by an auditor or practitioner. What? प्रोजेक्शन तो मैनेजमेंट, अभी मैनेजमेंट को ज्यादा पता होगा ना, उसका टर्न और उसका पीरियड है, उसको पता होगा क्या सेल करना है, कितना सेल करना है, क्या सेल होगा, कितना सेल होगा, ये सब उसको पता है, कितने खर्च आने वाले हैं, प्रोजेक्शन कैसे वर्कआउट होगा, ईयर ऑन ईयर कूद कितना मुझे इंप्रूवमेंट मिलेगा, तो सब मैनेजमेंट को पता है. तो मैनेजमेंट से सीधा सीधा पूछ लो ना, व्हाई यू रिक्वायर दैट प्रैक्टिशनर इन बिटवीन. बिकॉज मैनेजमेंट जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसका जो कंट्रोल है इंटरनल कंट्रोल, वो कितना, मतलब वो जिस एजम्पशन के बेसिस पे आपने ये प्रोजेक्शन किए, ये प्रोस्पेक्टिव आप मान रहे हो, क्या वो एजम्पशन वाकई में जेन्यून है, कि आप एज इट इज एजम्पशन दे रहे हो. फॉर दैट रीजन यू रिक्वायर दैट इंडिपेंडेंट पार्टी. प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल मीन्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एजम्पशन, क्योंकि यहां पे क्या है, आप एजम्पशन के बेसिस पे हो कि ये हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे, उसका इतना सेलिंग प्राइस रखेंगे और हमें इतने कस्टमर्स मिल जाएंगे, ये सेल होगा, प्रोजेक्शंस होगा, ये सब आप एजम्पशन के बेसिस पे वर्कआउट कर रहे हो ऑब्वियसली. अबाउट इवेंट दैट मे अकर इन फ्यूचर एंड पॉसिबल एक्शन बाय एंटिटी, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ फोरकास्ट और प्रोजेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. यहां पे आप क्या कर रहे हो, फोरकास्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आप फोरकास्ट कर रहे हो कितना इतना डेटा होगा, ये होगा, तो फोरकास्ट करके दे रहे हो. इट इज टू बी नोटेड दैट सच टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट एग्जामिनेशन इज नॉट ऑन, और यहां पे हम एग्जामिन नहीं करते हिस्टोरिकल क्या है, दैट इज अबाउट प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर. इट इज इंपॉर्टेंट ऑन डिफरेंस बिटवीन, देखिए ये आपको डिफरेंस समझना है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि हिस्टोरिकल अलग है प्रोस्पेक्टिव अलग है. ये प्रोस्पेक्टिव जो होगा वो अदर देन हिस्टोरिकल होगा, हिस्टोरिकल का तो ऑडिट करते हो तो रिव्यू करते हो, यहां पे आप इसका क्या करोगे, फोरकास्ट एस्टिमेशन बेस्ड ऑन अजम्पशंस रिलेटेड टू फ्यूचर इवेंट्स. समझ में आ रहा है, तो फ्यूचर के इवेंट को लेके आप एज्यूम कर रहे हो और वो एजम्पशन के बेसिस पे आप फोरकास्ट कर रहे हो, एस्टिमेशन कर रहे हो कि इतना इतना मेरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होने वाला है प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर. द फॉर्मर रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस इन फाइनेंशियल टर्म्स, और ये जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो कैसे एक्सप्लेन करोगे, आप बोलोगे हम आपको लोन वापस दे देंगे, नहीं ऐसे नहीं, We want exactly in terms of finance, कितना प्रॉफिट होगा, क्या रेशियो रहेगा, इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका रिटर्न कितना मिलेगा, तो वो तो आपको सब कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अबाउट इकोनॉमिक इवेंट कंडीशन सर्कमस्टेंसेस अकरिंग इन पास्ट पीरियड रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन अबाउट ऑफ अकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट. देखिए जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसमें जो हम सर्टिफाई करते हैं वो होता है पास्ट में जो कुछ भी हैपन हो चुका है उसका फाइनेंशियल टर्म्स में जो इंफॉर्मेशन दिया उसको ऑडिट करना, जबकि यहां पे क्या है फ्यूचर इवेंट्स और फ्यूचर पॉसिबल एक्शंस हैं उसका क्या आउटकम हो सकता है. देयरफॉर हिस्टोरिकल इज रूटेड इन पास्ट इवेंट विच इज ऑलरेडी अकर्ड, जबकि प्रोस्पेक्टिव जो है वो रिलेटेड टू फ्यूचर इवेंट. ये बिगेस्ट डिफरेंस ऑब्वियसली हिस्ट्री पास्ट प्रोस्पेक्ट फ्यूचर सिंपल. इन इंश्योरेंस इन्वॉल्विंग प्रोस्पेक्टिव प्रैक्टिशनर ऑब्टेन सफिशियंट, और अब देखिए आप प्रैक्टिशनर हो तो एज ए प्रैक्टिशनर आपको ये एश्योरेंस कब देना है, फॉर दैट रीजन यू नीड टू ऑब्टेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. क्लाइंट ने बताया और आपने मान लिया कि हाँ भाई, आप बोलो कितना टर्नओवर होगा, इतना हो जाएगा, कर दो चलो, ऐसे नहीं.
प्रूफ है उसके पास कि क्या, मतलब मान लीजिए कई ऑर्डर्स अवेलेबल हैं या ऑर्डर्स हैं उनके पास या अभी शुरू किया है, तो मंथली आपका टर्नओवर भी है, तो आप उसको ईयरली कन्वर्ट करके बोल रहे हो कि नहीं नेक्स्ट ईयर में हम इतना इंक्रीज करेंगे, तो यहां पे आप मान सकते हो कि नहीं वाकई में ऐसा हुआ है या होगा। तो नीड टू ऑब्टेन द सफिशियंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस टू इफेक्ट मैनेजमेंट एजम्पशन ऑन विच प्रोस्पेक्टिव बेस आर नॉट अनरीजनेबल। यहां पे हमें क्या करना है, क्योंकि वी कैन नॉट सर्टिफाई द फ्यूचर, हम फ्यूचर को सर्टिफाई नहीं कर सकते, वेरी गारंटी इतना होगा, वी आर नॉट प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर राइट, बट जो फ्यूचर प्रोजेक्ट कर रहे हैं एस्टिमेट कर रहे हैं उसको हम पूछ रहे हैं आपका ये फ्यूचर एस्टिमेट करने के लिए क्या क्या एजम्पशन किया है, हमें वो एजम्पशन बता दो और हम उस एजम्पशन पे वर्कआउट करें और बोलेंगे कि हाँ वो अनरीजनेबल नहीं है। आज कोई थ्योरी मानता है तो उसमें क्या होता है एजम्पशन होता है, एजम्पशन के बेसिस पे वो वर्कआउट होता है, तो हमें ये जानना होता है कि वो एजम्पशन तो सही होगा तभी तो वो थ्योरम वर्कआउट करेगा ना, वरना वर्कआउट नहीं करेगा। द प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ एजम्पशंस। अभी कई बार ये पीरियड में ऐसा होता है प्रैक्टिकली, ठीक है, कई बार होगा क्या जो आप थ्योरी में स्टडी करते हो और जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाता है वो ड्रास्टिकली डिफरेंट होता है, होना नहीं चाहिए एथिकली बट कभी कभी होता है ऐसा, कभी कभी नहीं मेजोरिटी ऑफ द टाइम होता है, बट फिर भी लॉजिकली यहां पे क्या बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, जो एजम्पशन के बेसिस पे वो होने चाहिए। और यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे होता क्या है, आपको लोन कितनी चाहिए हम एडजस्ट कर लेंगे बता दो, बट बैंक भी जो है आप एज इट इज कोई भी वायद एजम्पशन करके दे दोगे, ओके, तो नेक्स्ट ईयर बैंक के पास अभी आपने प्रोजेक्शन दिया है, चलो मान लीजिए अभी आपके प्रोजेक्शन के बेसिस पे लोन भी दे दिया, नेक्स्ट ईयर में तो एक्चुअल होगा कि नहीं होगा, और नेक्स्ट ईयर में बैंक ने लोन दिया तो डिमांड करेंगे ना, अभी चलो प्रोजेक्शन दिया था ना वो ठीक है, अभी मुझे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट करके बताओ, फिर वहां पे तो ड्रास्टिक चेंज नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो फिर नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही बोल देंगे ऐसा क्यों हुआ भाई, और ऐसा हुआ तो अभी मुझे नया प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन बना के दो, क्योंकि आपने जो बनाया था वैसा तो वर्कआउट एक्चुअल में हुआ नहीं है और आपकी रिपेइंग कैपेसिटी इतनी है ही नहीं जितनी आपने बताई थी और लोन ले ली, फिर सेकेंड ईयर में फिर से बनाओ, तो यहां पे आपको वो एजम्पशन के बेसिस पे बनाना है, तो दैट शुड बी जेन्युइन वन, एज इट इज आपने कुछ भी लोन कितनी चाहिए उसके बेसिस पे बना दिया तो कुछ तो रीजनेबल होना चाहिए, ओके, तो आप जो ऐसा नहीं है कि लोन लेनी है तो चलो कुछ भी कोई भी कुछ कोई भी डेटा बना के आप दे दो जिसका एक्चुअल के साथ कोई मेल मिला ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज प्रॉपरली प्रेजेंटेड इन ऑल मटेरियल एजम्पशन आर एडिक्वेटली डिस्क्लोज। प्रोस्पेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फ्यूचर इवेंट व्हाइल एविडेंस मे बी अवेलेबल टू सपोर्ट एजम्पशन ऑन विच इज बेस्ड सच एविडेंस इटसेल्फ इज जनरली फ्यूचर ओरिएंटेड। बट एक और बात है यहां पे बिगेस्ट इश्यू क्या होगा कि आप ऐसा बोल सकते हो वेरिएशन आ सकता है, क्यों, क्योंकि ये जो एविडेंसेस आपके पास अवेलेबल है कि हम इतना प्रोडक्शन करेंगे मार्केट में इसकी इतनी डिमांड है तो वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, अभी वो डिमांड अभी आप बता रहे हो कि नेक्स्ट डिमांड इतनी होगी, इट मे हैपन टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया और वो डिमांड चेंज ओवर हो जाए, तो आपके जो एविडेंसेस हैं वो भी फ्यूचर ओरिएंटेड है। देयरफॉर ऑडिटर इज नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सप्रेस ओपिनियन। मैंने आपको पहले भी बोला है हम सर्टिफाई क्या करते हैं, ओपिनियन किस पे देते हैं, हिस्ट्री प्रोस्पेक्टिव के कभी ओपिनियन नहीं देते, वी कैन नॉट से दैट हाँ जो भी लिखा है प्रोस्पेक्टिव ट्रू एंड फेयर है, कैसे बता सकते हो, आप भगवान नहीं हो आप ऑडिटर हो, ओके, तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसको सिर्फ आप प्रिपेयर कर सकते हो, तो यहां पे हम ओपिनियन देने वाले नहीं। देयरफॉर एश्योरेंस ऑफ प्रैक्टिशनर प्रोवाइड रिपोर्ट एश्योरिंग दैट नथिंग हैज कम टू प्रैक्टिस अटेंशन टू सजेस्ट दिस अजम्पशन। तो हम एश्योरेंस देंगे बट क्या देंगे, सी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। हिस्टोरिकल में हम क्या बोल रहे हैं, जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो हमने चेक किए और हम वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे ओपिनियन देते हैं, जबकि प्रोस्पेक्टिव में हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम ओपिनियन देते हैं,
कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया गया है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो सही है, आप ऐसे नहीं बोलेंगे, आप बोलोगे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस एजम्पशन पे बनाए हैं वो एजम्पशन मुझे अप्रोप्रिएट लग रहे हैं, और एजम्पशन फ्यूचर ओरिएंटेड है, वो कभी भी चेंज हो सकते हैं, मतलब आप सर्टिफाई कर ही नहीं रहे हो, समझ में आ रहा है। और आप देखना प्रैक्टिकली जब आप अगर करो तो देखना कभी भी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं उसमें सर्टिफिकेट नहीं देते, स्टैंप साइन नहीं आएगी, मैक्स टू मैक्स प्रीपेड का स्टैंप आ सकता है कि भाई ओके कि आपके लेटर एट मतलब मेन पेज में आपका नाम आ सकता है कि भाई ये सीए ने प्रिपेयर किया हुआ है, बट कहीं पे जैसे हम ऑडिट रिपोर्ट में सर्टिफाई करते हैं, हमारे लेटर पैड पे देते हैं, साइन करते हैं, वो सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में नहीं हुआ, बिकॉज वी कैन नॉट सर्टिफाई व्हाट्स गोइंग टू हैपन, वी कैन जस्ट सर्टिफाई व्हाट हैज हैपेंड, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस इज ऑब्टेन्ड बाय यू, सिंपल। Hence, such type of assurance is only provide moderate. So, यहां पे भी क्या हो जाएगा, moderate level of assurance. समझ में आ रहा है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल एंड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो अगर आप यहां पे देखोगे एग्जांपल क्या होने वाले, नंबर वन ऑडिट जिसमें हम देंगे रीजनेबल, रिव्यू जिसमें हम देंगे लिमिटेड, लोअर लेवल ऑडिट, एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव प्रोवाइड एश्योरेंस। अभी देखिए यहां पे सीधा सीधा यहां पे दोनों में आपको क्या लिखा है, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, तो जो फाइनेंशियल सेंटर उसी पे, ये दोनों हिस्टोरिकल पे, तो उसी पे हम क्या कर रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं। यहां पे हिस्टोरिकल पे एश्योरेंस नहीं दे रहे, एश्योरेंस किस पे दे रहे हैं, रिगार्डिंग बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन एंड रिलेटेड मैटर्स ओनली। हम ऐसा बिल्कुल ही नहीं बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा ही होगा, वी कैन नेवर प्रेडिक्ट दैट थिंग। एक और है रिपोर्ट ऑन कंट्रोल ऑपरेटिंग एट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां पे भी आप क्या रिपोर्ट करोगे, एश्योरेंस क्या दोगे कि इसका जो डिजाइन है इंटरनल कंट्रोल है वो सब सही है। अभी वो इंटरनल कंट्रोल और क्या है वो आगे आएगा, डोंट वरी। सो दिस आर द फोर टाइप ऑफ एश्योरेंस वी कैन गिव। अभी मुझे बताओ एश्योरेंस देना काम किसका है, प्रैक्टिशनर का। जब भी कोई प्रैक्टिस होती है ओके तो उसका कोई सेट ऑफ स्टैंडर्ड होना चाहिए। आज डॉक्टर कोई ऑपरेट करते हैं ठीक है, तो उसका एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड होगा कि ये ऐसे ही होता है, और उसको सिखाया भी जाए कि अगर आप ये ऑपरेट कर रहे हो तो उसको ऐसे 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 करते हैं, क्यों, इसकी एक सेट ऑफ प्रोसीजर है विच इज वेल नोन एक्सेप्टेड। तो जब आप ऑडिट कर रहे हो, जब आप रिव्यू कर रहे हो, जब आप प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन कर रहे हो, जब आप रिपोर्ट दे रहे हो कंट्रोल, तो डोंट यू थिंक इट सो, इन सभी पे स्टैंडर्ड बनाया जाए, जिससे क्या हो, समझो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हमारा पर्पस क्या था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गिवन बाय आईसीए ओके, और फिर इंडेस लेके आए, तो हमने एडवांस अकाउंट में देखा, अभी देखिए आपका पूरा एडवांस अकाउंट जो है फिल ऑफ स्टैंडर्ड ही है, इंटर लेवल पे आईसीए के साथ स्टैंडर्ड जाएंगे, फाइनल लेवल पे जाओगे तो इंडेस पूरे आ जाएंगे, क्यों भाई, क्योंकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड बाय ऑल अकाउंटेंट शुड बी ऑन ए यूनिफॉर्म बेसिस सो दैट यू कैन इंटर कंपेयर, मतलब कंपेरिजन कैन बी डन एट फॉर्म लेवल इंटरनली इंट्रा व्हाटएवर, एंड पर्पस इज यूनिफॉर्मिटी रहे। आप कोई भी अकाउंटेंट के पास जाओ यू गेट द सेम, कोई भी डॉक्टर के पास जाओ तो रिपोर्ट सेम होना चाहिए, डॉक्टर के मुताबिक रिपोर्ट चेंज होना नहीं चाहिए, वहां पे भी कुछ स्टैंडर्ड होते हैं ओके। आप कोई मेडिकल चेकअप कराओगे तो वहां पे क्या होगा, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड, हीमोग्लोबिन जो होता है ये सेटअप में सही है, बाकी ऊपर नीचे तो इट विल बी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है, तो एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। तो वैसे ही हमारे प्रोफेशन में आप ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिट के लिए भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, और वो स्टैंडर्ड क्यों, क्योंकि आप ऑडिटर कोई भी लो, समझो मैंने आपको पहले भी बताया था ये जो आपकी जो वैल्यू है ना वो आपके नाम या आपके सरनेम की नहीं है, आपके नाम और सरनेम के आगे जो प्रीफिक्स लगता है ना उसकी वैल्यू,
सीए, और ये सीए की जो वैल्यू है कोई भी हो आगे एक्स वाई जेड, नाम कोई भी हो, सीए ने सर्टिफाई किया है, इंटेंडेड यूजर का जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है? तो वो मेंटेन करने के लिए आईसीएआई ने सेट किए हैं स्टैंडर्ड कि आप नाम सरनेम कोई भी हो, सीए टैग लग रहा है ना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब आप सीए से ऑडिट करवाओ तो सीए एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी हो, वो सब यूनिफॉर्म बेसिस पे ऑडिट करे, उसके लिए हमने स्टैंडर्ड बनाया। फिर स्टैंडर्ड में क्या किया, बोले ये सब एश्योरेंस अलग अलग है, क्योंकि जब ऑडिट में देखोगे बहुत ही आपको डेप्थ में प्रोसीजर करनी है, वहां पे आपको रीजनेबल एश्योरेंस देना है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, उसके स्टैंडर्ड रिव्यू के स्टैंडर्ड से थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, इजंट इट? आप लोग रिव्यू के लिए भी सेम स्टैंडर्ड, ऑडिट के लिए भी सेम स्टैंडर्ड, तो फिर एश्योरेंस कैसे अलग अलग होगा? तो उसके लिए स्टैंडर्ड भी अलग बनाना पड़ेगा। हाँ, और ये दोनों तो हिस्टोरिकल है, तो यहां पे प्रोस्पेक्टिव है, और फिर इंटरनल कंट्रोल है, तो डोंट यू थिंक इट सो, ये सभी पे भी स्टैंडर्ड अलग अलग बनाने पड़ेंगे? हाँ, बात तो सही है, सभी पे स्टैंडर्ड अलग अलग बनाने की जरूरत है यहां पे, एंड दैट इज व्हाई दे हैव प्रिपेयर्ड सेपरेट सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ऑल दिस टॉपिक। वो एक आगे टॉपिक आने वाला है, बट उसका लिंक यहां पे है, इसलिए मैं यहीं पे बता देता हूं आपको, ठीक है? अभी हमने क्या किया, एश्योरेंस सबसे पहले क्या किया, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल, बोले ऑडिट करने के लिए हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस रीजनेबल एश्योरेंस, उसके स्टैंडर्ड बनाता एसेस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, बोले रिव्यू, रिव्यू के लिए वहां पे थोड़ा लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस, ठीक है, तो उसके लिए अलग सेट बना दो, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट SREs। तो हमारे सिलेबस में जो भी एसेज आने वाले हैं, ठीक है, एसे 200, एसे 300, लाइक 210, 220 नॉट्स, वो सब क्या है, जब आप ऑडिट करोगे तो आपको वो पूरी सीरीज याद रखनी है। देखिए यहां पे एसे 200 है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, तो वो क्यों एसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, मतलब जब आप ऑडिट करोगे तब आपको सारे एसेज ध्यान में रखने, और सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, ऑडिट कर क्यों रहे भाई, पर्पस क्या है, तो वही तो बता दिया ऐसे 200, आर गेटिंग इट? फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन कैसे मेंटेन करना है ऐसे 230, फिर रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करना है, एविडेंस कैसे गैदर करोगे 500, रिपोर्ट कैसे दोगे 700, मतलब यहां पे भी सीरीज बनाई है, मतलब सब सिस्टमेटिक लेवल पे जा रहे हैं। ओके, 700 में आप देखोगे 700 सीरीज, सब रिपोर्ट की होगी, कौन सा रिपोर्ट देना है, कौन सा ओपिनियन किस में दोगे आप, ऑडिट पे ओपिनियन दोगे, तो वहां पे अकॉर्डिंगली बना दिया है। फिर आप आगे जाओगे तो बोले रिव्यू करना है किसका, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसकी अलग सीरीज बना दी, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, तो यहां पे देखो स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट SRE 2400, SRE 2410, अभी इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है ना उसका रिव्यू होता है, वो क्या है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसका भी एक स्टैंडर्ड अलग से, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है? फिर क्या होगा, अप्लाइंग एश्योरेंस एंगेजमेंट डीलिंग विद सब्जेक्ट मैटर अदर देन हिस्टोरिकल, प्रोस्पेक्टिव अदर देन हिस्टोरिकल, तो बोले SAEs स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। ओके, तो यहां पे नाम SAE दे दिया, तो ये एश्योरेंस किसका है, अदर देन, मतलब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अलावा आपको कुछ भी प्रोजेक्शन देना है, सर्टिफिकेट्स देने हैं, व्हाटएवर। ओके, फिर यहां पे आएगा लास्ट, एंगेजमेंट टू अप्लाई एग्रीड प्रोसीजर इंफॉर्मेशन रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट सच एज कंप्लायंस एंगेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज। अभी देखिए सिर्फ आप ऑडिट करोगे ऐसा नहीं है, सिर्फ आप रिव्यू करोगे ऐसा भी नहीं, एज आई सेड आप इसके अलावा भी काफी सारे अलग अलग एश्योरेंस दोगे, तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज SRS, ये चार कैटेगरी के आपको अलग अलग स्टैंडर्ड्स दिए, ये सभी आपको इंटर लेवल पे नहीं आएंगे,
आपको अभी फिलहाल आने वाले एसेज, एसेज में भी आपको शॉर्ट करके दिया होगा, इतनी एसेज आपको है, बाकी सारे लेवल जो है वो आप फाइनल लेवल पे लर्न करो। ओके, एक और बात, ये सब आपने एश्योरेंस के बारे में तो बता दिया कि ऑडिट में क्या एश्योरेंस देना है, रिव्यू में क्या करोगे, हिस्टोरिकल अदर देन हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव में क्या करोगे, रिलेटेड सर्विसेज में क्या करोगे, सर्टिफिकेट देना है उसमें क्या होगा, मतलब इसके अलावा भी आप कई सारी प्रैक्टिस करोगे ना, कंप्लायंस कर रहे हो तो वो कंप्लायंस के लिए, अभी ये सब हम डिटेल में देखेंगे, बट एज आई सेड इंटरलिंक हो रहा है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ समझा दिया कि ये जो हमने टाइप एश्योरेंस देखे ना, वो सभी एश्योरेंस के अलग 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 स्टैंडर्ड्स भी। फिर बात आती है, क्योंकि आपके आगे जो सीए प्रीफिक्स लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और उस प्रीफिक्स कोई भी हो साइन जब करता है तो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। तो लाइक टू मेक श्योर, जैसे प्रोडक्शन में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, क्यों होता है भाई, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो ठीक है, तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, क्यों होता है, वाई, आपने जो सेटअप प्रोडक्शन किया तो स्टैंडर्ड के हिसाब से ही किया है, तो फिर क्यों चेक करना, नहीं प्रोडक्शन होने के बाद भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि आपने जो सेटअप प्रोसीजर बनाई, जो क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाई है, क्या वो क्वालिटी अल्टीमेटली दैट्स गोइंग टू बी यूज बाय कस्टमर, और मान लीजिए उसने यूज किया और वो क्वालिटी जो एक्सपेक्ट करे तो वो नहीं हो, तो मान लीजिए डिफेक्टिव पीस आ गया, तो दैट इज क्रिएटिंग अ नेगेटिव इमेज इन द आईज ऑफ, फिर वो कंपनी पे कौन बाय करेगा, सोचो आप, अभी वहां पे तो एक कंपनी है, यहां पे ऐसा नहीं होगा कि आपने क्वालिटी नहीं रखी है, समझो एक सी ने क्वालिटी नहीं है मेंटेन की है, तो इसका सभी पे इंपैक्ट आ सकता है। इंस्टीट्यूट लाइक टू नो, वुड लाइक टू डू दैट, क्या क्वालिटी के लिए भी कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए कि आपकी ऑफिस में ये डॉक्यूमेंट्स मेंटेन होनी चाहिए, इतनी क्वालिटी का ऑडिट होना चाहिए, तो क्वालिटी को लेके भी स्टैंडर्ड्स बनाए, वो है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, मतलब आपकी ऑडिट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। ओके, उसके लेके एसक्यूसी, ये एसक्यूसी है ना वो सभी में लागू, वो फोर कैटेगरी में नहीं आता है, ये जनरल है, मतलब फोर कैटेगरी क्या है, ऑडिट करोगे तो स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू करोगे तो स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एस आर ई, अदर देन हिस्ट्रिकल एस ए, ओके अदर देन दैट कंप्लायंस रिलेटेड एस आर एस, और क्वालिटी कंट्रोल सब में कुछ भी करो क्वालिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, ऑडिट करो, रिव्यू करो, हिस्ट्रिकल करो, नॉन हिस्ट्रिकल प्रोस्पेक्टिव करो, कंप्लायंस करो, आपका क्वालिटी जो है, प्रैक्टिस की क्वालिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, उसके लिए एसक्यूसीज दे दिया। ये समझ में आ रहा है डिटेल में क्या सब हम सब समझेंगे, और यहां पे भी आपको जो डिटेल में क्वेश्चन दिया है ना वो भी छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि एक पूरा सब्जेक्ट बन सकता है स्टैंडर्ड्स के ऊपर, यहां पे थोड़ा सा टॉपिक दिया। ओके, तो इतना क्लियर है कि ये सब क्या है, तो एश्योरेंस एंगेजमेंट जिसमें होगा रीजनेबल, लिमिटेड, मॉडरेट, और ये क्या होगा रिलेटेड टू अदर देन हिस्ट्रिकल, ये दोनों क्या है रिलेटेड टू हिस्ट्रिकल, ये तो चार्ट मैंने आपको बना दिया। ओके, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 5, द मैनेजमेंट ऑफ एक्सोटिक टूर्स एंड ट्रेवल्स लिमिटेड रिक्वेस्ट इट्स ऑडिटर राजा एंड कंपनी टू प्रोवाइड एश्योरेंस ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर स्किपिंग रिक्वायर्ड डिटेल प्रोसीजर। अभी देखिए ये आपको क्या बता रहे हैं, हमें क्वार्टरली एश्योरेंस दे दो, और उसमें आपको डिटेल में चेक करने की जरूरत नहीं है, अभी डिटेल में चेक करने की जरूरत नहीं है, लेस प्रोसीजर, मतलब ये डिमांड नहीं कर रहे ऑडिट, ये क्या कर रहे हैं रिव्यू कर दो हमें, हमारा क्वार्टर पूरा हुआ है तो क्वार्टरली हमारा जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका रिव्यू कर दो, उसमें कुछ गलत तो नहीं है। तो कई बार मैनेजमेंट की प्रैक्टिस होती है कि बिफोर दे गो फॉर ऑडिट वो एक बार रिव्यू करवा लेते, उससे क्या हो जाएगा कि इसमें कुछ अगर गलत है तो वो एट मैनेजमेंट लेवल आपको पता चल जाएगा। What would be the nature of report? Would it be necessary for them to obtain sufficient appropriate evidence in such a case? देखो ये audit तो नहीं है, ये क्या है review, but review में भी आपको sufficient appropriate audit evidence तो gather करनी है, क्योंकि assurance तो देना ही है ना, और जहां जहां assurance आएगा वहां पर आपको sufficient
अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो ऑब्टेन करने, हाँ ऑडिट जितने डेप्थ में, ऑडिट जितनी डेप्थ में प्रोसीजर नहीं करोगे, यहां पर बोला ना स्किप कर दो थोड़ी बहुत प्रोसीजर चलेगा, वो रिव्यू है, दैट इज वाई इट गिव्स लोअर और लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस देन ऑडिट. इज दिस क्लियर? ओके, ये अभी क्वेश्चन स्किप करो, क्वालिटीज ऑफ द ऑडिटर मतलब स्किप मतलब कैंसिल मत करो, हम कर रहे हैं, बट एज आई से कनेक्टेड है इसीलिए मैं पहले एसआर जो स्टैंडर्ड्स है वो ले रहे हैं हम. और ये जितने भी एश्योरेंस हैं ऊपर हमने देखा सारे एश्योरेंस हैं, वो हर एक एश्योरेंस के लेवल पे स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं और वो कलेक्टिवली नोन एज एंगेजमेंट स्टैंडर्ड. इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली एंगेजमेंट. क्यों स्टैंडर्ड? पहले ही आपने क्या किया? एंगेजमेंट किया. अभी वो ऑडिट के लिए किया तो ऑडिट एंगेजमेंट हो गया, बट नॉर्मली हम एंगेजमेंट करते हैं, मतलब वो वाला एंगेजमेंट नहीं, क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट. ओके, तो वो जो एंगेजमेंट होते हैं दैट कैन बी फॉर ऑडिट, दैट कैन बी फॉर रिव्यू, दैट कैन बी फॉर प्रोस्पेक्टिव, दैट कैन बी फॉर एनी कंप्लायंस. कि आप हमारा रिटर्न भर दो, आप हमारा कंप्लायंस देख लो, आप हमारा इनकम टैक्स का जो केस है वो रिप्रेजेंट कर दो, ऑडिट करवा दो, रिव्यू करवा दो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दो, ये में जितनी भी प्रैक्टिस है सब एश्योरेंस आ जाएंगे. एंगेजमेंट, वो एंगेजमेंट ईच एंड एवरी प्रैक्टिशनर एंगेजमेंट कर रहे हैं उसके लिए स्टैंडर्ड बनाए, इसलिए उसको क्या बोला? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, और कलेक्टिवली नोन एज. और एज आई सेड जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए बोर्ड है वैसे ही ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के लिए भी बोर्ड बना दिया. नो डाउट आईसीए ने बनाए ऑडिटिंग एश्योरेंस, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड AASB. पहले AAS था हमारे जमाने में, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, AAS ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड. फिर क्या इंटरनेशनल लेवल पे एसएस आ गए और सब कुछ हो गया, ठीक है, तो इन लाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ने चेंज कर दिया, AAS को बदल के रख दिया एसएस. वो AS थे ने पहले वो 1234 थे, 1234 40 वहां पे क्या क्रोनोलॉजिकल अरेंज में ही थे और काफी सारे पुराने थे, और इन लाइन विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल में जैसे बनाया ऐसे सीरीज 200 300, फिर ऑडिट के लिए अलग एस, दैट इज हाउ दे हैव प्रिपेयर्ड इट. तो AASB ने अंडर द ऑथोरिटी ऑफ काउंसिल, काउंसिल मतलब काउंसिल ऑफ ICAI आर कलेक्टिवली नोन एज एंगेजमेंट स्टैंडर्ड. और वो क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये किसके लिए है? ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ये किसके लिए है? रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. कनेक्शन आ रहा है? ओके. एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये किसके लिए है? डीलिंग विद सब्जेक्ट मैटर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हम सीधे सीधे बोलो प्रोस्पेक्टिव, यस. और रिलेटेड सर्विसेज, अभी आप प्रैक्टिशनर बनके जो भी रिलेटेड सर्विस कर रहे हो, कंप्लायंस, ओके, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर इंफॉर्मेशन, कंप्लायंस एंगेजमेंट और एनी रिलेटेड सर्विसेज एज मे बी स्पेसिफाइड बाय ICAI. मतलब आप प्रैक्टिस में जो भी कर सकते हो वो जितना भी आप कर रहे हो, सी आप ऑडिट में कितना कर सकते हो, प्रैक्टिस में कितना कर सकते हो, दैट इज अ फुल कंट्रोल ऑफ ICAI. प्रैक्टिस करने के बाद भी आप जॉब नहीं कर सकते, आप बिजनेस नहीं कर सकते, मतलब करना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी एटसेट्रा एटसेट्रा, क्यों रखा हुआ है? जब आप फुल टाइम प्रैक्टिस करते हो दे वुड लाइक टू मेंटेन योर क्वालिटी ऑफ ऑडिट. आप फुल टाइम प्रैक्टिस भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, क्लासेस भी ले रहे हो, आई विल बी एबल टू गिव दी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा और आपकी जो क्वालिटी ऑफ ऑडिट है वो डिटोरेट हो जाएगी. वी डोंट वॉन्ट दैट. प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस करो, फिर क्लास मत करो, फिर जॉब मत करो. अभी जो लोग करते हैं वो तो अनएथिकली करते हैं, ओके, क्योंकि जब आप पर्टिकुलरली सी ये जब स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को लेकर इतने स्ट्रिक्ट क्यों बनाए गए, मतलब दे वॉन्ट कि जब कोई ऑडिट रिपोर्ट आपके और से जाए तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कोई भी उसको चैलेंज ना कर पाए. और वो कब आएगा? यू आर कॉन्सेंट्रेटेड 100% ऑन दिस. और लॉजिकल बात है, आप सब जगह पे पहुंचने ट्राई करोगे, ऑडिट भी कर रहे हो, टैक्सेशन भी संभाल रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, क्लास कर रहे हो, रिटर्नशिप भी है, तो यू नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट.
ओके हाँ मैं प्रैक्टिस नहीं करता, मेरा सीओपी भी नहीं है। ओके तो यहां पे अगर आप देखोगे इवन बिजनेस करने के लिए परमिशन चाहिए, अगर बिजनेस ही करना है तो प्रैक्टिस छोड़ दो ना, बिजनेस करो। देर आर यू कैन से सक्सेसफुल सीएस जो बिजनेस कर रहे हैं, ओके तो उसकी प्रैक्टिस नहीं होती है, फिर उसको प्रैक्टिस में इंटरेस्ट भी नहीं होता है, समझो। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये सब स्टैंडर्ड फॉलो करो और हमारी जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो करो, उसके बाद ही आप इलिजिबल हो सर्टिफाई करने के लिए। ओके रीनेमिंग रीनंबरिंग कैटेगराइजिंग ऑफ ऑडिटिंग है, हाँ तो दैट्स व्हाट आई साइड, AAS को रीनंबर किया, रीअरेंज किया, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया, क्योंकि एज आई सेड AAS थे उस सीधे स्टेट 1 2 3 4 5 6 7 40। तो हुआ क्या था कि वहां पे कोई सीक्वेंस मेंटेन नहीं किया था, नो कैटेगरी इज मेंटेन, नंबर भी कंटिन्यूस, नया कोई टॉपिक आ गया दे, नया कोई टॉपिक आ गया दे। तो कुछ ऐसा था कि भाई 2 जो है वो 30 के साथ रिलेटेड है, तो यू नेवर नो। यहाँ पे क्या है, जो टॉपिक रिलेटेड है उसकी सीरीज दे दिया, एसएस एसआरईस एसएईस एसआरएस, ये आपको एमसीक्यू लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना ठीक है, कि ये एसएस है तो किसके लिए है, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल, एसआरईस है किसके लिए है, ऑडिट ऑफ सॉरी रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एसआरईस किसके लिए है तो अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और कंप्लायंस के लिए SRS रिलेटेड सर्विसेज और कंप्लायंस के लिए, तो ये स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है। स्टैंडर्ड ऑडिटिंग अप्लाई इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ये जरूरी है कि वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर से आए, एज आई सेड रिव्यू में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यहां पे रिक्वायरमेंट है, क्यों, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देना है, हाउ यू कैन बी कि ऑडिट करो डिपेंडेंट पार्टी से, तो हो ही नहीं सकता, कंपनीज एक भी अलाउ नहीं करती कि आपका एम्प्लॉय आपका ऑडिट करे, फिर तो आप बोल दोगे नहीं ऑडिट में क्लीन लिखो भाई, क्लीन नहीं लिखेंगे वो, क्यों आपके ऑब्जेक्शन लिखेंगे, क्योंकि आपके कंट्रोल में, और जब कोई ऑडिट आपके कंट्रोल में करता है तो फिर वो ऑडिट इंडिपेंडेंट नहीं होगा, और ऑडिट में हमने सबसे पहले ही शुरू किया था इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ओके ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हाँ It is important to remember standard auditing apply in audit of historical information. And यहां पे high quality benchmark चाहिए followed by auditors in conducting audit of financial statement. तो जब भी आप financial statement का audit करोगे तो एक high set of benchmark चाहिए कि आपको ये quality के हिसाब से audit करना है. Audit कोई भी CA करे उसकी quality इतनी होनी चाहिए it gives, क्योंकि यहां पे क्या है जब भी आप ऑडिट करके देखते हो जी बैंक को आप दोगे ऑडिट करके तो बैंक ये देखती बिल्कुल इससे बैंक को क्या फर्क पड़ेगा, मान लीजिए आपकी आप जो है वो 5 साल से बैंक को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हो, बैंक को फर्क पड़ेगा ये सीए से ऑडिट करवा के लाओ वो सीए से ऑडिट करवा के लाओ, और एक ऑडिटेड चाहिए, हाँ वो फेक सीए ना होना चाहिए ठीक है, फेक ना हो इसलिए तो इंस्टीट्यूट टेक्स लॉट ऑफ केयर, मेंबरशिप नंबर है, यूडीन है, ऑल दिस थिंग्स आर देयर, तो अभी तो वो पॉसिबल ही नहीं, ओके ऑनलाइन है तो मतलब यूडीन वाला भी टॉपिक में कभी आप डिस्कस करेंगे हम, ओके उसमें क्या होता है कि अभी क्या हो गया सब ऑनलाइन है, अभी ऑनलाइन है तो कैसे पता चलेगा कि यही सीएनए सर्टिफिकेट कोई भी बना के दे देगा, स्टैम्प कोई भी बना के दे देगा, ओके तो बैंक को कैसे ट्रस्ट हो कि ये पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सर्टिफिकेट बनाया, अभी मेरे पास बहुत ही सिंपल मेंबरशिप नंबर आ गया, साइन की कॉपी करना क्या बड़ी बात है, और स्टैंप बनाना किसी को भी जाओ स्टैंप बनाओ फेक स्टैंप बन जाएगा, अब ये धड़ाधड़ स्टैंप मार स्टैंप लगा के आपने वही साइन कॉपी करके दे दिया, बैंक को पता चलेगा ये सीए ने दिया है नहीं दिया है, तो फिर इतनी साल से हमने मेहनत की उसका क्या, वो ऐसे ही कॉपी कर रहा है, तो ऐसा नहीं चलना चाहिए, तो फिर ड्यूटी ना कि कोई भी सर्टिफिकेशन हो ड्यूटी मतलब उसकी एक साइट अलग होती है, जिसमें क्या होता है कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी सर्टिफिकेट देगा ना उसमें पहले वो इंस्टीट्यूट की साइट पे रजिस्टर करेगा कि ये सर्टिफिकेट दे रहा हूं ये ऑडिट दे रहा हूं, और फिर आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी देने के बाद ही वो नंबर जनरेट होगा, और वो नंबर जो है वो आप लगाओगे सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेट हो जाएगा कि हाँ
ये पर्टिकुलर सीए ने ही किया हुआ है। तो ऐसे कई सारी सेट ऑफ प्रोसीजर्स लगा रहे हैं जिससे क्या हो कि ऑथेंटिसिटी बढ़ जाए। स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग हैव बीन इश्यूड वाइड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ इश्यू इन फील्ड ऑफ ऑडिटिंग रेंजिंग फ्रॉम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग। अब देखिए यहां पे ये सब स्टैंडर्ड किसके लिए है, ऑडिट करने के लिए। ऑडिट में तो बहुत सारा टॉपिक होता है, मतलब समझ लो ये पूरा सब्जेक्ट ही। प्लानिंग करोगे, फिर आप ऑडिट करोगे, फिर ऑडिट का एविडेंसेस कलेक्ट करोगे, अभी जो एविडेंसेस कलेक्ट किया उसको कंपेयर करोगे, कंपेयर किया उसका पूरा प्रूफ क्या है आपके पास, आपने ऑडिट किया है, बोले डॉक्यूमेंटेशन है, हमने डॉक्यूमेंटेशन सब मेंटेन किया हुआ है, टिक किए हुआ है, तो हमारे पास इतने प्रूफ इनफ है टू प्रूव दैट कि हमने ऑडिट अच्छे से किया है। तो उसका डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है। कैसे पता चलेगा कितने डॉक्यूमेंट मेंटेन करने, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या एविडेंसेस कलेक्ट कर, ऑडिट डॉक्यूमेंट, ऑडिट एविडेंसेस, कैसे प्लान करोगे, ऑडिट प्लानिंग, सैंपल करना है, ऑडिट सैंपलिंग। सभी के लिए स्टैंडर्ड बना दिए, आप टॉपिक बोलो हर एक पे स्टैंडर्ड, बोले रिस्क है, रिस्क के लिए भी स्टैंडर्ड, रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए स्टैंडर्ड, रिस्की रिस्क को रिस्पॉन्स कैसे किया उसके लिए भी स्टैंडर्ड, हर एक के लिए स्टैंडर्ड, गोइंग कंसर्न उसके लिए भी स्टैंडर्ड बना दो। मतलब ऑडिट में जो जो क्रूशियल टॉपिक है ना सबके लिए स्टैंडर्ड बना के रखिए। हैं एज एन ऑडिटर वी नीड टू फॉलो ऑल द स्टैंडर्ड्स, ये हमारे लिए तो बनाए गए, जब ऑडिट करोगे तब आपको कर, अभी जब आप ये प्रैक्टिस करो तो आपको वो स्टैंडर्ड्स आने चाहिए, और इसीलिए आपके सिलेबस में वो सारे स्टैंडर्ड्स। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑडिट में हर एक टॉपिक का स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड कोई इंडिपेंडेंट करने की टॉपिक नहीं, चीज नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड करो, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड दैट इज टू बी डन विद द टॉपिक ऑफ ऑडिट। ऑडिट का जो जो टॉपिक है उसका स्टैंडर्ड साथ में करना चाहिए। ओके इसलिए मैंने क्या किया है और मॉड्यूल में भी आपको ऐसा ही किया है, नो डाउट। अलग से आपको एक स्टैंडर्ड की बुकलेट दी है, ठीक है, मतलब बेयर पोर्शन दिया है कि आपको वो एनेक्सर के फॉर्म में दिया है कि बेयर पोर्शन स्टडी करना है, वो तो एस में भी दिया है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो हर एक टॉपिक के साथ, मतलब आप कोई भी ऑडिट का टॉपिक कर रहे हो, ऑडिट का जो भी चैप्टर कर रहे हो उसके साथ ही आ जाएगा स्टैंडर्ड्स, और वो स्टैंडर्ड के जितने जितने टॉपिक है वो हम वही चैप्टर में कवर अप कर लेंगे। आइडेंटिफाइंग रिस्क, सैंपलिंग, देखिए एविडेंसेस, फॉर्मिंग ओपिनियन, और रिपोर्ट कैसे देना उस पर भी स्टैंडर्ड, उसका भी सेट फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में आप एक भी वर्ड इधर उधर नहीं कर सकते, मीनिंग चेंज हो जाएगा। ओके तो ये सभी के लिए स्टैंडर्ड बनाए, लाइक ऑब्जेक्टिव क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसटेंट टू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, ओके 315, फिर 330 में उसका रिस्पॉन्स देंगे, ओके रिस्पॉन्स टू द रिस्क असेस्ड, 500 में एविडेंसेस, 700 में रिपोर्ट। सर क्या स्टैंडर्ड के नंबर, स्पेशली एसेस के नंबर याद रखने जरूरी है? यस, नाम के साथ, यस इट्स गुड थिंग अगर आप याद रखोगे, तो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोविजन पता है काफी है, बट फिर भी जैसे आप पूछते हो कि लॉ में सेक्शंस, इनकम टैक्स में सेक्शंस, और ऑडिट में एसेस और अकाउंट में एएस, याद रखने की जरूरत है अगर आपको, मतलब बहुत अच्छे से स्कोर करना है तो हाँ यस इट्स रिक्वायर्ड, बट अगर आपको पता नहीं है तो वी डोंट वरी, अगर आप प्रोविजन भी लिखोगे मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी फॉर दिस, ओके। बट एज आई सेड कि इम्पैक्ट लानी है, अच्छे से स्कोर करना है, तब आपको रेफरेंस ऑफ सेक्शन, रेफरेंस ऑफ एसेज सब देना जरूरी है, जल्दी से नंबर मिल जाएंगे आप, ओके जितने भी आप रेफरेंस दोगे वो आपके लिए एड ऑन है, ये सब एड ऑन फीचर्स है, जितना दोगे उतनी इंपैक्ट अच्छी आएगी मार्क्स में। ओके स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, तो ये रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, और रिव्यू ऑलरेडी वी वेरी वेल नो, ये लिमिटेड एश्योरेंस है, लोअर देन द ऑडिट एंड ऑल प्योर प्रोसीजर, ये सब हमने अभी किया, लाइक एंगेजमेंट स्टैंडर्ड ऐसे SRE 2400, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर SRE 2410, सीरीज ही सब अलग अलग। ओके नेक्स्ट एश्योरेंस, देयर इज अनदर सेट ऑफ स्टैंडर्ड एश्योरेंस डीलिंग विद सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्टोरिकल,
अदर देन हिस्ट्रिकल. हिस्ट्रिकल में क्या आता है? ऑडिट रिव्यू. अब देखिए ये सब वहां जो हमने किया ना वही रिपीट कर रहे हैं. फिर बोलेंगे ऑडिट रिव्यू हिस्ट्रिकल में आएगा. अदर देन हिस्ट्रिकल ऑडिट रिव्यू नहीं है. उसके अलावा आप कोई भी करोगे वो तो बोले इसके लिए स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट लाइक एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 3400 3420 रिपोर्ट ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस में भी ऐसा होता है. प्रोस्पेक्टस क्या है दैट यू वेरी वेल नो. जब मुझे आईपीओ लाना है पब्लिक को ऑफर देनी है इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए तो पब्लिक को पता तो होना चाहिए ना कि इसका प्रोस्पेक्ट कितना अच्छा है. तो बोले प्रोस्पेक्टस बना दो. अभी आप सीए कोर्स में आए ओके तो आपने प्रोस्पेक्टस देखा होगा. अभी तो क्या सब ऑनलाइन हो चुका है. हमारे टाइम के प्रोस्पेक्टस की बुकलेट आती भी आती है बट अभी ज्यादातर ऑनलाइन ही आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाता है. तो आपको पता तो होगा ना कि ये कोर्स में क्या है कितने टाइम में आप सीए बनोगे कितने सब्जेक्ट्स आते हैं कितनी ईयर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है टू ईयर्स की आर्टिकलशिप है. तो आपका पूरा प्रोस्पेक्टस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फ्यूचर आपका इस सब्जेक्ट मतलब इस पर्टिकुलर कोर्स के साथ जुड़ा हुआ है तो कैसे. तो वैसे ही कोई पैसा लगा रहे आपकी कंपनी में उसका प्रोस्पेक्ट क्या है तो प्रोस्पेक्टस में हम सब बनाएंगे. तो प्रोस्पेक्टस का एक पूरा टॉपिक आएगा लो में वहां पे हम देखेंगे. बट वहां पे भी आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत पड़ेगी प्रोस्पेक्टिव को लेके. तो वहां पे आप एश्योरेंस दोगे 3420 से. और रिलेटेड सर्विसेज स्टैंडर्ड्स अप्लाई एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिगार्डिंग फाइनेंशियल इन्फो. फॉर एग्जाम्पल एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एग्रीड अपॉन प्रोसीजर लाइक ऑडिटर टू परफॉर्म सर्टेन प्रोसीजर ऑन इंडिविजुअल फाइनेंशियल डेटा अकाउंट पेबल. आपको सिर्फ अकाउंट पेबल का डेटा प्रोवाइड करना है या बैलेंस शीट इवन कंप्लीट सेट ऑफ एफएस. यहां पे अगर आप देखोगे SRE 4410 कंप्लायंस. तो कंप्लायंस को लेके कुछ भी आपको देना है तो आपको SRS प्रोवाइड करना है कंप्लायंस को लेके. और ये सभी पे क्वालिटी further remember that standard on quality control to be applied for all services covered by. मतलब आप audit करो review करो prospective financial information करो compliance करो कुछ भी करो. ऐसा नहीं कि सिर्फ audit में quality maintain करनी है सिर्फ review में quality maintain करनी है. आप practice कोई भी करो हमारी जो standard quality है वो आपको fulfill करनी है अगर आप practice करते हो तो. Okay. Job कर रहे हो तो हमें कोई लेना देना नहीं. आप जानो आपके एम्प्लॉयर जाने ओके उसके स्टैंडर्ड फॉलो करो. बट आप सीए टैग लगा के प्रैक्टिस करते हो तो हमारे सारे क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे एस क्यू सी. और इसमें क्या बताएंगे आपको एस क्यू सी एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड एंड प्रोवाइड गाइडेंस रिगार्डिंग फर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. ये किसकी बात कर रहे हैं फॉर्म फॉर्म मतलब ऑडिट फॉर्म की बात हो रही है. ऑडिट फॉर्म रिव्यू फॉर्म मतलब प्रैक्टिशनर की जो फॉर्म है वो. फिर चाहे आप ऑडिट करो रिव्यू करो प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन दो कंप्लायंस करो कुछ भी करो आपके फॉर्म में इतने क्वालिटी कंट्रोल होने चाहिए. क्योंकि फॉर्म में क्वालिटी कंट्रोल क्यों करना अगर ऑडिटर खुद थोड़ी ऑडिट करेगा. आप इतने साल आपने ऑडिट करने के लिए किया क्या नो डाउट करोगे बट तो आर्टिकल क्यों है स्टाफ क्यों है. आप फाइनल टचअप देखोगे बाकी तो सब वही करने वाले ना. अभी सीए खुद थोड़ी चेक करेगा चलो वन टू वन वो तो आपने अच्छे से कर लिया आर्टिकलशिप ओके तभी वो आप अपने एंगेजमेंट टीम से करवाओगे. एंगेजमेंट टीम जो टीम जाएगी ऑडिट करने के लिए जो ऑडिट करेगी एंगेजमेंट पार्टनर मतलब जो ऑडिटर वो टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंगेजमेंट पार्टनर. नो डाउट उसके कंट्रोल में सब कुछ रहेगा बट आपकी फॉर्म की कुछ क्वालिटी तो होनी चाहिए. आप मान लीजिए ऑडिट करने गए किसी भी फॉर्म में आप आर्टिकलशिप कर रहे हो फ्यूचर में आप करोगे. अभी तो क्या दोनों ग्रुप पास करने के बाद ही आर्टिकलशिप करोगे. तो आर्टिकलशिप जब करने जाओगे तो वो जो भी फॉर्म आप सिलेक्ट करो उसका कुछ स्टैंडर्ड होता है उसकी कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर होती है. कई लोग करते कई लोग नहीं करते बट यहां पे एसक्यूसी में दिया है कि नहीं आपको करना चाहिए. और एसक्यूसी वन is issued, it require auditor, practitioner to establish. अब देखिए series जो है ऐसे की वो 200 से start हुई. 1 से क्या है 1 से ये
सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये नंबर वन क्वालिटी सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सो दैट फॉर्म एंड इट्स पर्सोनल सिर्फ सीए को फुलफिल करना ऐसा नहीं है उसके आर्टिकल उसके जो भी स्टाफ है पेड स्टाफ है जूनियर सीए है व्हाटएवर सब लोगों को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट और अप्रोप्रिएटली रिपोर्ट करना पड़ेगा तो आप का प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए यहां पे क्या है कि आप जो भी सर्विस रेंडर कर रहे हो उन सभी में आपका फॉर्म का क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लीगल रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी अभी एसक्यूसी के लिए अलग से एथिकल स्टैंडर्ड का एक चैप्टर ऐड हुआ है 11 मतलब वो वहीं से पहले क्या ओल्ड सिलेबस में चैप्टर 1 में ही एसक्यूसी और एथिकल स्टैंडर्ड जो सब यहां पे समझाया था अभी बोले नहीं वो लास्ट में समझा देते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है तो पहले 10 चैप्टर कर लो फिर लास्ट में वो चैप्टर आ जाएगा जिसमें आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड और एथिकल स्टैंडर्ड समझाया जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन एज सच आपके मॉड्यूल में नहीं है बट पुराने सिलेबस में था मैंने लिया हुआ है कभी कभी पूछ ले तो एक तो होता है स्टेटमेंट स्टेटमेंट मतलब ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट की बात हो रही है मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक होता है गाइडेंस नोट तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टेटमेंट एंड ऑडिटिंग स्टेटमेंट वो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एक होगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग ओके फिर इंस्टीट्यूट जो है वो गाइडलाइंस निकालेगी गाइडेंस नोट देखो यहां पे अगर आप देखोगे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है फिर कंपनी का रूल्स इंडेक्स एंड ऑल फिर यहां पे देखोगे गाइडेंस नोट अगर ये गाइडेंस नोट देखोगे तो गाइडेंस नोट ऑन ऑडिटिंग एस्पेक्ट मतलब ऑडिट पे भी गाइडेंस यहां पे देखो एक्चुअली अभी आपको पता नहीं होगा कारो क्या है तो कारो 2020 ये है कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट मतलब ऑडिट रिपोर्ट तो आप कंपनी में देते ही हो बट कंपनीज एक्ट में आपको अलग से कनेक्शन देना पड़ेगा हम स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको पूछना चाहते हैं कि आपने ये चेक किया वो चेक किया तो उसको लेके एक पूरा लिस्ट एनेक्शर और एनेक्शर को हम बोलते हैं कारो और ये जो कारो है 2003 में आया 4 में आया फिर अलग अलग अपग्रेड करते गए अभी लेटेस्ट अपग्रेड क्या हुआ है आपके अटेम्प्ट के लिए 2020 ओके मतलब ये एवरी ईयर अपडेट नहीं होता है ये 5-6 साल में 10 साल में एक बार अपडेट होता है तो अभी 2020 है कारो 2020 तो कारो 2020 आपको देना पड़ेगा नेक्स्ट तो अभी एज एन ऑडिटर कारो 2020 अभी आया तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी देखिए उसके लिए तो कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया है तो इंस्टीट्यूट चाहेंगे कि आप कारो को कैसे डील करें कारो का जो आंसर दे रहे हैं उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली उसके लिए इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस दिया कि ये हर एक क्वेश्चन का आप आंसर कैसे दो मतलब कारो ऐसे तो होता है 2-3 पेजेस का उसके लिए एक पूरी बुकलेट बना दी गाइडलाइन देखिए कि ये क्वेश्चन में आप क्या क्या चेक करोगे उसके क्या कंसीक्वेंसेस होंगे उसमें यस बोलोगे तो क्या होगा नो बोलोगे तो पूरा गाइडेंस दे दिया मतलब आप कारो में रिपोर्ट करो इससे पहले ये गाइडेंस देख लो एक बार और इसकी भी रिवाइज एडिशन तो अगर आप यहां पे देखोगे बोलो 3-4 पेजेस का जो है उसके लिए 379 पेजेस का आपको गाइडलाइन दिया कैसे से करना है कारो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दैट इज अ पार्ट और एनेक्सर ऑफ मेन रिपोर्ट तो इसके लिए गाइडेंस दिया फिर आप टैक्स ऑडिट करोगे उसके लिए गाइडेंस तो यहां पे होगा क्या समझो ऑडिट के हर एक एस्पेक्ट के लिए आपको गाइडेंस दे रहे हैं सेम वे अकाउंटिंग के लिए भी गाइडेंस दे रहे हैं जिसका स्टैंडर्ड नहीं है समझो बट फिर भी इंस्टीट्यूट को ऐसा लग रहा है कि हम आपको गाइड करना चाहते हैं ये कैसे करोगे तो उसके लिए गाइडेंस नोट इश्यू कर दो तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि जो इंस्टीट्यूट आईसीआई आपको स्टेटमेंट मतलब स्टैंडर्ड देते हैं वो और एक गाइडेंस नोट देते हैं वो रेकमेंडेटरी है या मैंडेटरी है स्टैंडर्ड्स स्टेटमेंट्स स्टैंडर्ड्स और स्टेटमेंट जो भी है वो सब मैंडेटरी है बट जो गाइडेंस नोट है वो ज्यादातर रेकमेंडेटरी इन नेचर है क्योंकि समझो स्टैंडर्ड्स हैं वो कंपलसरी जिसको है उसको फॉलो करने ही करने बट गाइडेंस नोट आपके गाइडेंस के लिए तो वो
इंस्टीट्यूट रेकमेंड करते हैं कि आप उसको ध्यान में लो, आप उसको ध्यान में लिए बिना भी कर सकते हो। तो आंसर इसका सिंपल ये आएगा कि स्टेटमेंट जो है वो मैंडेटरी नेचर है, ओके, और जो गाइडेंस नोट है वो रेकमेंडेटरी नेचर। और ऑडिटर की ड्यूटी है एज ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट आईसीआई के मेंबर की तरह आपकी ड्यूटी है कि स्टेटमेंट मतलब स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉलो करो। अगर स्टैंडर्ड में कुछ भी डेविएशन तो आपको रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे, ओके, एंड स्टेटमेंट फॉलो कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉलो नहीं कर रहे तो रिपोर्ट करना जरूरी है। जबकि गाइडेंस नोट आपके गाइडेंस के लिए कि आपको कैसे परफॉर्म करना है, तो वो जनरली गाइडेंस देंगे, दैट इज फॉर आपके जो भी अटेस्ट फंक्शन है, आपके जो एश्योरेंस फंक्शन है उसके लिए जो जो टॉपिक के लिए गाइडेंस दिया है वो टॉपिक करने से पहले, मतलब कारो रिपोर्ट करने से पहले कारो की एक बार गाइडलाइंस देख लें, तो हम रेकमेंड करते हैं। कुछ गाइडेंस नोट कंपलसरी होती है, बाकी सारी गाइडेंस नोट क्या होती है, रेकमेंडेटरी नेचर। रेकमेंडेटरी मतलब हम रेकमेंड करते हैं कि आप एक बार देख के ऑडिट करो। चलो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट? यहां पे अगर आप देखोगे तो एक तो यहां पे दो क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, उसमें आपको एंगेजमेंट स्टैंडर्ड पूछा। जब आपको एंगेजमेंट स्टैंडर्ड पूछेंगे तो चारों का नाम लिख दो, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे दो चारों के बारे में, और एक एसक्यूसी नवंबर 20 में पूछा था, इन अ रिवाइज पर प्रीफेस रीनेम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड विद देयर न्यूमेरिकल सीरीज। तो न्यूमेरिकल सीरीज के साथ आपको उसके नाम देने हैं। फिर आपको यहां पे पूछा एसेज अप्लाई इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल SREs apply review of historical, explain detail with examples। तो आपको ये यहां पे ये example दिया ना, ऐसे कौन कौन से हैं, SRE कौन कौन से हैं, तो बस यही समझाना। तो कभी कभी आपको इंडिपेंडेंट पूछ लेंगे, कभी आपको सारे साथ में पूछेंगे। साथ में पूछना तो कैसे पूछेंगे, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड बता दो, क्लियर है? नंबर 20 का ये क्वेश्चन जो आपको पूछा था विथ सीरीज, आपको पूछा है सीरीज नंबर के साथ, ओके। तो देखिए ये तो चार हमने कैटेगरी करी दी है, यहां पे आपको ये सीरीज नोट डाउन कर लेना है, ये वाले। एसक्यूसी में क्या होगा, एज आई सेड सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, क्वालिटी, ये चारों को लागू पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, 1 से लेकर 99 तक एसक्यूसी, फिर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एसेस उसमें आएगा 100 से लेकर 999, फिर SRW, SREs 2000 से लेकर 2699, SAEs 3000 से लेकर 3699, एंड SRS 4000 से लेकर 4699। इसको ये क्वेश्चन नंबर 19 से पहले ऐड कर दो, चलो। इज दिस क्लियर?
आज का लेक्चर यहाँ पे करते हैं।